टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, मुमरा कौसा के मुख्य रास्ते रोड वाइंडिंग के बाद जिनकी रफ्तार काफ़ी हद तक धीमी थी और गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ जी ने मुझे विरोधी पक्ष नेता बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो रास्ते के काम है, मुख्य रास्ते मुमरा पुलिस स्टेशन से लेके कौसा तक जो रोड वाइंडिंग हुए, उनके पेंडिंग किए हुए काम, जैसे वाटर लाइन, बड़ी लाइनें ऊपर गई है, LTST पोल, RMO, जो ट्रांसफार्मर है, सागर, किस्मत, कौसा के जो मुख्य रास्ते पे रोड वाइंडिंग में बाधा है, जिनकी वजह से काम कंप्लीट नहीं हो रहे, उनकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए, जिसके लिए काफ़ी हद तक हम लोगों ने काम किए। श्री हैदरी भाई साहब, शमीम खान जी, हमारे सभी नगर चौक, हमारे कार्यकर्ता दिन रात इसमें हमारे साथ दे रहे। लेकिन आपने देखा होगा शिमला पार्क, उसके बाद नूरानी के पास रोड वाइंडिंग करके रास्ते को बड़ा करके पाइपलाइन के जो अंडरग्राउंड का काम था उसे पूरा करके ड्राइवर का काम शुरू है। कोविड के लिए काम धीमी रफ्तार में भी था, अब एक ये बड़ा काम है सागर ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर 30 साल पुराना चूना है, इसको LTST पोल के जरिए पीछे उधर देखोगे आपने शिफ्टिंग कर दिया गया RMO बिठा के, और आज इसको पूरी तरीके से शिफ्टिंग करके ये पूरी लाइन यहाँ से लेके मैक कंपनी तक ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड हो जाएगी। और रास्ते बड़ा करने में जो सबसे बड़ा बाधा था ये ट्रांसफार्मर की जगह, ये आज काम पूरा होके UTWT का काम जो बचा हुआ हिस्सा वो भी 8 से 10 दिन के अंदर, अगर बारिश नहीं तो हो जाएगा, नहीं तो 15 दिन, लेकिन ये यहाँ से लेके मैक कंपनी तक ये काम पूरा हो जाएगा। आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी और हमारे लिए गर्व की बात है कि 30 साल बाद ये रास्ता 4 लाइन का आप देख सकते हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये काम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी था, ये काम हमारे आने वाले मुमरा के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था। इससे हमारे अभी हमारे तक शहर की ट्रैफिक को कमी मिलेगी और हमारे वो शहर में आने वाले वक्त में ये चौड़ा होके दोनों तरफ 4 लाइन का रोड बहुत महत्वपूर्ण था, जो काम पूरा होने वाला है इंशाल्लाह। आपने जो ये काम कर रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं विरोधी जो है आप पर निशाना साध रहे हैं कि आप टोरेंट का विरोध कर रहे हैं, टोरेंट का ही काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जिन विरोधियों को जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे बात करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इन कामों का वर्क ऑर्डर निकाल ले, ये महानगर पालिका का काम है, टोरेंट का नहीं है। ये जो काम करने वाले कॉन्ट्रेक्टर किधर है, वो का है ये और वो जज भाई, ये सारे कॉन्ट्रेक्टर महापालिका के सब कॉन्ट्रेक्टर है, सब कॉन्ट्रेक्टर। डोंबिवली की कंपनी को लगाए, जो एक्स नगर सेवक थे उनको ये टेंडर लगाए, 18 कोटि का टेंडर है, उनका सब कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने को हमारे मुमरा के नौजवान लोग, युवा लोग बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उनको सब कॉन्ट्रैक्टर दिए, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये ध्यान रखिए, ये टोरेंट की नहीं है, ये महापालिका के जिनको टेंडर लगा है उनके सब कॉन्ट्रैक्टर, उन लोग उसमें ये मेहनत कर रहे हैं, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है। इसीलिए जिनको लोग ये बोलते वो गुमराह करते, और हमारे इधर गुमराह करने के लिए एक टीम बैठी है, कहीं ना कहीं काम करने वालों को टीकाकरी करना, उसका विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध होना चाहिए और हेल्दी विरोध होना चाहिए, लेकिन बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना मैं इसको मानता नहीं। सारे इल्ज़ाम आपके काम उसे क्लियर कर देता है, हमारा वक्त, हमारा काम है लोगों का काम करना, लोग उन्हीं को टीका करते जो काम करते, हम अपना काम करते रहे। कचरा करने का के लिए क्या बहुत सारे मुद्दे सर, एक बड़ा मुद्दा पार्किंग का है और दूसरा बड़ा मुद्दा है जो कचरा सफाई करते हैं वापस स्पॉट पे आ जाता है, कहीं ना कहीं हमको बदलना पड़ेगा। हम क्यों ये बात को समझ रहे नहीं है, मैं आपके सामने एक सीधा उदाहरण देता हूँ, प्लेटफॉर्म पे थूकते गोवा खाके, एयरपोर्ट पे थूक के बताओ, प्लेटफॉर्म पे थूकते हैं, एयरपोर्ट पे थूक के गोवा खाके थूक के बताओ, वो हरियाणा के जो है ना छेड़छाड़ फुट के लोग वो ऐसा मारेंगे, अरे शानू पठान का आदमी हूँ, अरे शानू पठान कौन है, शानू पठान को फट। तो ये
कहीं ना कहीं नहीं लेकिन देखिए 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 मुमरा का फोर लाइन बनेगा, लेकिन फोर लाइन कैसे बनेगा जब हॉकर्स रोड पे है, अवैध पार्किंग रोड पे है, तो किस तरह का आप काम करेंगे कि हॉकर को भी हटाएंगे, अवैध पार्किंग भी हटाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए ये फोर लाइन बन गया है, ये हो जाएगा 15 दिन में, ये तरफ का रोड फोर लाइन बन जाएगा, लेकिन और सुनिए, अरे पार्किंग तो लगाएंगे ना लोग, अरे सर पार्किंग तो लगाएंगे ना लोगों की गाड़ियां, वही पार्किंग से ट्रैफिक होती है ना सर। थाने थाने स्मार्ट सिटी अंतर्गत थाने महानगर पालिका 3,800 करोड़ की महापालिका, उधर भी ट्रैफिक की समस्या है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पार्किंग बना रहा है पार्किंग प्लाजा, वहाँ पे पार्किंग खड़ी करने के लिए हमें ये मुख्य रास्ते बढ़ने करने के बाद एक गाड़ी अगर सही से लोग लगाए तो भी 3 लाइन बचेगी, कितनी, एक लाइन पे सिस्टम से लोग पार्किंग लगाए तो भी 3 लाइन बचेगी। हॉकर्स बहुत जल्द समस्या है, वो जल्द हटेगी, लेकिन वो सब होने के बाद भी 3 लाइन हमारी इस तरफ और 3 लाइन हमारी उस तरफ। मैं आपके जरिए मेरे नागरिकों को, हमारे युवाओं को, हमारे शहर के मुमरा करवाली वासियों को विनती करूंगा कि हमें भी ये सारे सिस्टम का हिस्सा बन के कहीं ना कहीं हमको पालन करना पड़ेगा और अपने शहर को खूबसूरत और अच्छे, ट्रैफिक फ्री, कचरा मुक्त, नशा मुक्त, ये सभी करने के लिए हमको भी पहल करना पड़ेगा। मेरा काम है कि मैं मेरे कार्यकाल के अंदर पूरे जो पेंडिंग काम है उनको पूरा करके शहर, जैसे हॉस्पिटल है कौसा हॉस्पिटल जो TMC का ही बनेगा, जो लोग बोलते थे कि प्राइवेट बनेगा, आपके सामने ये भी बताता हूँ कि वो TMC ही चलाएगी, उसे जल्द से जल्द शुरू करने का लक्ष्य है। ये रास्ता पूरा कंप्लीट करने का लक्ष्य है, मित्तल का रास्ता पूरा चालू करने का लक्ष्य है, संपम जो बने वो पूरे चालू करने का, बन चुके लेकिन रनिंग करने का लक्ष्य, पूरा करने का लक्ष्य हमारे सामने, अब बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला हम ये काम को पूरा करेंगे। आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था, हॉस्पिटल का दौरा किया गया था कि जुलाई लास्ट तक हॉस्पिटल मिल जाएगा, अभी अगस्त चल रहा है, हॉस्पिटल का पता ही नहीं। जुलाई हमारे इधर बारिश में बाढ़ आ गई, कोकण माड़ और ये सब में महापालिका के सारे कर्मचारी उन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब उनको बचाने में लगे। तो जब मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि 2 महीने में हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन अगर आपातकालीन स्थिति आ गई और थर्ड वेव जो जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, हाँ विश्व आरोग्य विभाग बोल रहा है कि थर्ड तीसरी लहर आ सकती है, अगर तीसरी लहर आ गई तो शानू पठान के हाथ में कुछ नहीं।